हाय फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं होंडा सिटी, बहुत ही प्यारी है। इसका पूरा हम आज रिव्यू देखने वाले हैं। इसका एक शोरूम प्राइस कितना जाता है, क्या क्या इसके अंदर फीचर्स मिलते हैं, चलो तो फिर शुरुआत करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले, आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलो तो इसका पहले इंजन पे देखते हैं क्या क्या इसके अंदर दिया है। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये इंजन है 1498 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर हम जिसे बोलते हैं। यहाँ पे आपको एक बैटरी का लोकेशन देखने को मिलता है, साथ ही साथ उसके ही बाजू में उसका फ्यूज बॉक्स का लोकेशन है, और उसके ही बाजू में आपका ECM का लोकेशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखेंगे तो ये रेडिएटर की कैप है, जब गाड़ी गर्म होंगी तो ये रेडिएटर की कैप मत खोलिएगा। और यहाँ पे एक वाइपर टैंक भी है, ब्लू कलर की कैप है, वो ओपन करके आप वहाँ पे पानी फिल कर सकते हो वाइपर टैंक के लिए, जो कि विंडशील्ड क्लीन करने के लिए होता है। यहाँ पे इंजन ऑयल लेवल चेक करने के लिए गेज यहाँ पे आपको कंपनी ने ऑफर किया है, साथ ही साथ उसके पीछे वो मास्टर सिलेंडर है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी गाड़ी के इंजन के। और आपको पीछे दो वाइपर ब्लेड देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ वहाँ पे दो नोजल। ये जो है दोस्तों इंजन 1498 क्यूबिक सेंटीमीटर का है, पेट्रोल इंजन फोर सिलेंडर का है। और उसका मैक्सिमम बीएचपी और आरपीएम देखे तो 6600 रिवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम जिसे हम बोलते हैं उतना कंपनी ने ऑफर किया। और टॉर्क जनरेट करती है 145 न्यूटन मीटर का। और आपको यहाँ पे बोनेट के अंदर इंसुलेशन पैड भी देखने को मिलेगा। और ये BS6 इंजन है, कुछ इस तरह का आपको इंजन भी इस गाड़ी का देखने को मिलेगा। एक ओवरऑल देखे तो उसका पावर भी बहुत अच्छा है, इंजन भी ठीक ठाक है, फोर सिलेंडर आपको यहाँ पे इंजन ऑफर किया है। एक फ्रंट साइड देखे तो कुछ इस प्रकार का आपको टीआरएल लाइट इंडिकेटर देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आप नीचे बम्पर पे देखें तो फॉग लैंप कंपनी ने ऑफर किए है। यहाँ पे एक आपको टो कैप देखने को मिलेगी। एक बॉडी डिजाइन देखे तो बहुत ही प्यारा बॉडी डिजाइन आपको कंपनी ने एक गाड़ी में ऑफर किया, बहुत ही लग्जरियस कार लगती है, कुछ इस प्रकार की आपको कंपनी ने ऑफर किए है। देखे तो एक लॉक अनलॉक और एक डिक्की प्रेस, एक जो है प्रेस करके रखा तो डिक्की ओपन हो जाती है, कुछ इस प्रकार का होंडा का बैचिंग आपको की पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आज मैं आया हूँ अहमदनगर में होंडा के, जो कि अहमदनगर MIDC एरिया में है। आप ये वीडियो अहमदनगर से देख रहे हो तो आपको ये एक शोरूम प्राइस चली जाएगी 13 लाख के आसपास। अभी ये वेरी करता है कौन से शोरूम में आप कहाँ रहते हो, कौन से शोरूम में क्या, कम से कम तो 13 लाख के आसपास ही। अभी एक LED हेडलाइट को आप देखो, ये जो फॉग लैंप है यहाँ पे आपको फॉग लैंप भी कंपनी ने ऑफर किया है, जो हॉलिजन लैंप में। और एक आपको होंडा का बैचिंग भी आपको आगे देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह का आपको फ्रंट लुक गाड़ी को कंपनी ने ऑफर किया है, एक जो बहुत ही प्यारा ऐसा डिज़ाइन ये गाड़ी का लग रहा है होंडा सिटी का भाई, बहुत ही प्यारा डिजाइन है ये गाड़ी का। और ये जो ORVM दिए है वो भी इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड है, जब आप स्विच अनलॉक करेंगे ये अनफोल्ड होंगे, लॉक करेंगे फोल्ड होंगे, ये भी बहुत अच्छा। और उसके साथ ये साथ कंपनी ने मिरर में ही आपको टर्न इंडिकेटर ऑफर किए है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे टर्न इंडिकेटर कंपनी ने ऑफर किए है, बहुत ही क्लास लुक लगता है वो इंडिकेटर का, टर्न इंडिकेटर का। और यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर भी कंपनी ने ऑफर किए है आपको, पीछे की तरफ नहीं, ये एक पेट्रोल की टैंक की यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। टेल लाइट सेक्शन देखे तो कुछ इस तरह का आपका बैक साइड का बैक रियर व्यू आपको ये होंडा सिटी का देखने को मिलेगा, बहुत ही क्लास और प्रीमियम लग रहा है दोस्तों। यहाँ पे एक होंडा सिटी की पैचिंग, बीच में होंडा का लोगो, और ये जो मॉडल है IVTEC ZX। और थोड़ा सा पीछे देखो तो यहाँ पे आपको होंडा की पैचिंग देखने को मिलती है, उसके पीछे उसके नीचे आपको एक रिवर्स पार्किंग कैमरा भी देखने को मिलता है। यहाँ पे एक रिवर्स पार्किंग कैमरा का लोकेशन कंपनी ने ऑफर किया है, यहाँ होंडा सिटी की बैचिंग और बीच में होंडा का लोगो और IVTEC ZX मॉडल है ये। अब इसके बूट स्पेस की बात करें तो आपको इसको बूट स्पेस मिलता है 506 लीटर का बूट स्पेस, बहुत ही अच्छा खासा बूट स्पेस है ये होंडा सिटी के, बहुत ही बड़ा दिखता है। और एक स्टेपनी देखे तो इसके नीचे आप स्टेपनी भी देख सकते हैं, स्पेयर व्हील भी यहाँ पे आपको कंपनी ने ऑफर किया है। ओवरऑल देखे तो ये रियर व्यू और बूट स्पेस भी बहुत अच्छा दिया है कंपनी ने। टेल लाइट सेक्शन देखे तो कुछ इस तरह का टेल लाइट सेक्शन, और ये
बॉडी डिजाइन भी बहुत अच्छी दिखती है ये लाइन पे, और कुछ शार्क टेल एंटीन देखे तो कुछ इस तरह का शार्क टेल एंटीन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एक साइड व्यू प्रोफाइल देखे तो गाड़ी का ओवरऑल गाड़ी की लेंथ जाती है 4549 मिलीमीटर, और गाड़ी की टोटल विड्थ है 1748 मिलीमीटर, और हाइट देखी तो 1489, और ग्राउंड क्लियरेंस दिया है 160 mm का, और गाड़ी का वेट है 1135 किलोग्राम। वाओ, और यहाँ पे आपको अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे साथ ही साथ, उसके साथ ही आपको 185 के 65 ये आपको टायर यहाँ पे ऑफर किया। जब इंटीरियर की बात करें तो कुछ इस तरह का आपको इंटीरियर यहाँ पे देखने को मिलेगा, बहुत ही प्यारा इंटीरियर लग रहा है दोस्तों। यहाँ पे रियर डिफॉगर, ये जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, ये मैनुअल नहीं है, ये जो पेट्रोल वेरिएंट में आती है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आती है। कुछ स्टीयरिंग व्हील देखने गए तो कुछ इस प्रकार का आपको स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा, और ये है स्टार्ट और स्टॉप का, आपको यहाँ पे स्विच कंपनी ने ऑफर किया है कुछ, और उसका डिजाइन भी बहुत अच्छा है, पूरा डैशबोर्ड का डिजाइन भी, और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखे तो कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, टॉप स्पीड 220 का यहाँ कंपनी ने ऑफर किया है ये गाड़ी में। एक टच स्क्रीन देखे तो कुछ इस तरह का आपको टच स्क्रीन देखने को मिलेगा, एक ये जो डिफॉगर के फ्रंट के बैक के, और ये जो एसी के भी मोड यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे दो चार्जिंग सॉकेट भी कंपनी ने ऑफर किए 12 वोल्ट के, साथ ही साथ वहाँ पे थोड़ी जगह भी दी है मोबाइल रखने के लिए। एक पार्किंग मोड, रिवर्स मोड, ड्राइव मोड, ये तो ये नॉर्मली है। कुछ हैंड ब्रेक कुछ इस तरह का आपको काउंसिल बॉक्स का लुक देखने को मिलेगा। एक स्टीयरिंग माउंटर कंट्रोल देखो तो बहुत यहाँ पे क्रूज कंट्रोल भी कंपनी ने ऑफर किया है, ये राइट साइड में देखो तो क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, एक क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन, साथ ही साथ ये वॉल्यूम और कॉल रिसीव करने के लिए। ये जो एसी वेन का डिजाइन है वो भी बहुत प्यारा लग रहा है ये गाड़ी में, और ये पूरा चार ही विंडो को आपको पावर विंडो कंपनी ने ऑफर किया है ये गाड़ी में। ये ओवरऑल इंटीरियर देखे तो बहुत ही प्यारा इंटीरियर ये गाड़ी का दिखता है, कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक या बेज कलर में बहुत ही सुंदर ऐसा दिखता है, और इसके साथ साथ सनरूफ भी कंपनी ने ऑफर किया है। एक ओवरऑल व्यू देखे सनरूफ का, और ये जो प्रेस लाइट भी आपको दे व्हाइट लाइट एलईडी में आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक सनरूफ से देखो बहुत ही प्यारा व्यू ये सनरूफ से दिखता है भाई, भाई मुझे तो बहुत ही प्यारी लगी है गाड़ी की। बॉडी डिजाइन भी बहुत अच्छी है, इंटीरियर का कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, ओवरऑल देखे तो एकदम बहुत ही लग्जरियस लगती है गाड़ी। होंडा सिटी मतलब सबकी तो प्यारी है, सभी लोग इस गाड़ी को पसंद करते हैं। एक सेंटर मिरर देखे तो कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है, साथ ही साथ ये गाड़ी में फ्रंट में दो एयर बैग है, साइड में दो एयर बैग है, एयर बैग भी फुल है, और एक पेपर होल्डर, ये साइड में मिरर भी इसमें एक ऑफर किया है कंपनी ने साथ ही साथ। ये गाड़ी का मुझे इंटीरियर बहुत प्यारा लगा यार, ये स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी बहुत अच्छे दिए है वॉल्यूम के, और वह कॉल रिसीव के कनेक्शन, और ये इंडिकेटर आप यहाँ देखेंगे तो ये वाइपर के कंट्रोल्स आपको यहाँ लेफ्ट साइड में देखने को मिलेंगे, और जो ये वाइपर के कंट्रोल लेफ्ट साइड में दिए, और ये टर्न इंडिकेटर हेडलाइट जलाने के लिए ये राइट साइड में आपको कंपनी ने ऑफर किए। ओवरऑल लुक बहुत ही प्यारा लग रहा है ये गाड़ी का, एक मतलब पूरा इंटीरियर, और ये इंजन स्टार्ट स्टॉप करने के लिए एक पीछे का देखे, पीछे का केबिन देखे तो उसका भी कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लग रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट भी बहुत प्यारी है गाड़ी की। और ये बोनेट का हुड ओपन करने के लिए और पेट्रोल का वो लीड ओपन करने के लिए आपको नीचे लीवर कंपनी ने ऑफर किए है गाड़ी के। ये जो गाड़ी है ना दोस्तों बहुत ही प्यारी लगती है यार, ये इसके पीछे वाला जो मॉडल था वो भी मेरा पर्सनल फेवरेट मॉडल है होंडा सिटी का, और इसका इंटीरियर भी बहुत ही बढ़िया दिया है यार कंपनी ने, इसका इंटीरियर और कलर कॉम्बिनेशन भी, लेग रूम भी अच्छा है, हेड रूम भी ये गाड़ी में बहुत अच्छा ऑफर किया है, एक बीच में आर्म रेस्ट भी आपको कंपनी ने दिया, और ये
दो आपको पीछे भी दो एसी वेंट आपको यहाँ पे देखने के मिलेंगे, दो उसमें दो भी डिवाइडेड है, दो एसी वेंट आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। पीछे का केबिन भी ठीक ठाक है, 3 जन एकदम आराम से बैठ सकते हैं, टोटल 5 जन की 5 सीटर तो ये कार है इधर। और दरवाजे देखे तो कुछ इस प्रकार का आपको डिजाइन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे ये जो डिग्गी ओपन करने के लिए यहाँ पे दिया है कंपनी ने, जो लीवर है वह सीट के नीचे है। और ये जो डैशबोर्ड पे देखे तो ये वुडन फिनिश ब्लैक बेज में, और ये वुडन फिनिश की एक हाईलाइट जो किया है वुडन फिनिश से, बहुत ही प्यारा उसका लुक निखर के आ रहा है वो ब्लैक में। एक कंपनी है भी ये पूरा 13-14 लाख रुपए ले रहे थे, उसके हिसाब से गाड़ी की बॉडी डिजाइन भी बहुत अच्छी है और इंटीरियर भी बहुत प्यारा है। ग्लो बॉक्स कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, उसका भी स्पेस ठीक ठाक है ग्लो बॉक्स का, और एसी वेंट का डिजाइन कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा एसी वेंट का। यहाँ पे सामने दो एयरबैग भी आपको कंपनी ने ऑफर किए है। ओवरऑल लुक देखे इंटीरियर और ये पूरे गाड़ी का तो बहुत ही, मुझे तो बहुत पर्सनली तो बहुत प्यारा लगा यार, ये जो पिछले वाली होंडा सिटी थी और ये भी दिल जीत लिया ये होंडा सिटी ने। कुछ डोर पैड देखे तो कुछ इस तरह का आपको डोर पैड ये गाड़ी में देखने को मिलता है, पूरा चारी ही चारी पावर इंडो कंपनी ने ऑफर किया है ब्लैक। और यहाँ पे 1 लीटर की बॉटल आप रख सकते हैं, 1 लीटर का बॉटल का स्पेस यहाँ पे दिया है, यहाँ पे नीचे स्पीकर भी कंपनी ने ऑफर किया है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको बोनेट ओपन करने के लिए लीवर नीचे दिया, और पेट्रोल की फ्यूल ओपन करने के लिए, पेट्रोल की फ्यूल ओपन करने के लिए ये बोनेट ओपन करने के लिए, और ऊपर का पेट्रोल की ओपन कैप ओपन करने के लिए यहाँ पे लीवर कंपनी ने ऑफर किया है। और सीटिंग देखे तो ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, मैन्युअली है, अप डाउन कर सकते हो, और ये यहाँ पे ये इसकी हाइट यहाँ से ऐसे बढ़ा सकते हो आप, ये ऊपर प्रेस किया तो सीट की हाइट बढ़ जाएंगे। और ये थोड़ा सा इसमें इलेक्ट्रिक देना चाहिए था तो ठीक है, इतना भी चलता है क्योंकि बॉडी डिजाइन और इंटीरियर भी बहुत प्यारे है, और साइड में भी यहाँ पे एयर बैग की बैचिंग आपको यहाँ पे सीट को देखने के लिए मिलेगी। रियर स्पेस देखे तो वहाँ पे भी आर्मरेस्ट भी आपको दिया है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लग रहा है, और सीटिंग अरेंजमेंट भी बहुत ही, जो 3 आदमी एकदम आराम से पीछे बैठ सकते हैं। ओवरऑल देखे तो एक बजट में एक लग्जरियस क्लास लुक ये गाड़ी का है, और एक फीलिंग भी वैसे आती है गाड़ी में बैठने के बाद होंडा सिटी का। एक लेग रूम देखे तो मैंने थोड़ा सीट आगे किया है, फिर भी लेग रूम भी अच्छा खासा है, हेड रूम भी अच्छा खासा है ये गाड़ी का, तो जिसकी हाइट के ऊपर है अभी कोई 6 फीट का है, कोई 5.5। यहाँ पीछे भी आपको यहाँ पे दो एलईडी लाइट देखने को मिलेंगे, अभी व्हाइट कलर में आपको कंपनी ने ऑफर किए है, जो नॉर्मल गाड़ियों में आते हैं वो येल्लो कलर के आते हैं शायद। और पीछे 3 हेडरेस्ट को भी आपको देखने में मिलेंगे, बीच में दिया है कंपनी ने आर्मरेस्ट भी बहुत अच्छा, पिछली सीट में ठीक है तो ठीक है, 3 जन आराम से बैठ सकते हैं, और आर्मरेस्ट भी प्रेस किया तो 3 जन आराम से बैठ सकते नीचे, या तो 2 जन की जगह एकदम परफेक्टली। कुछ डिजाइन देखे इंटीरियर का तो कुछ इस तरह का आपको डिजाइन देखने को मिलेगा, इंटीरियर का डिजाइन देखे तो कुछ इस तरह से आपको ये इंटीरियर देखने को मिलता है। और ये आर्मरेस्ट यहाँ से वहाँ पे भी तो आपको दो का फोल्डर आर्मरेस्ट में कंपनी ने ऑफर किए, बहुत ही लग्जरियस लुक दिख रहा है यार ये गाड़ी का, बहुत ही मतलब मुझे लगता है पूरा पैसा वसूल गाड़ी है। कुछ इस तरह का आपको इंटीरियर देखने को मिलेगा, कलर कॉम्बिनेशन बहुत है ब्लैक बेज में, और फ्रंट में से बॉडी का